आप सभी योग साधकों को डॉक्टर ब्रिजमोहन वेलनेस सेंटर आरा भोजपुर बिहार में हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। परम पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज के सपनों को साकार करने के लिए योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के पद चिन्हों पर चलते हुए योग मार्ग को अपना करके पूरे समाज को कैसे अधर्म से धर्म की ओर, असत्य से सत्य की ओर और रोगी से निरोगी जीवन की ओर कैसे उन्हें बनाया जा सके, कैसे उन्हें इस मार्ग पर लाया जा सके, इस दिशा में विगत 25 वर्षों से लगातार सामाजिक जीवन में लोगों को योग के प्रति, धर्म के प्रति, अपने पूर्वजों के प्रति, महापुरुषों के प्रति, उनके आचरण को अपना करके अपने जीवन को कैसे धन्य बनाया जा सके, कैसे धराधाम पर स्वर्ग का आरोहण हो, कैसे अपने भीतर सात्विक शक्तियों का जागरण हो, हम योग के माध्यम से कैसे मानव से महामानव की ओर, कैसे पुरुष से महापुरुष की ओर यात्रा पूरी कर सकें, उसके लिए मैं योगाचार्य डॉक्टर ब्रिजमोहन आप सभी का अभिनंदन और स्वागत करते हुए अपने जीवन को योग के प्रचार प्रसार के लिए आहूत कर दिया हूँ। और मैं चाहता हूँ कि मेरा जीवन आप सब के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन करके उभरे और आपको मैं अनेकों प्रकार के समस्याओं से, अनेकों प्रकार के बीमारियों से, अनेकों प्रकार की जटिलताओं से मैं बाहर निकाल सकूं, यही संकल्प को लेकर के मैं वर्ष 1995 से इस यात्रा को भोजपुर जिले ही नहीं बल्कि बिहार के अलग अलग जिलों में जाकर के, देश के अलग अलग राज्यों में जाकर के इस यात्रा को आगे बढ़ाने का मैंने काम किया हूँ। मैंने सोचा कि योग के माध्यम से लोग इतनी आसानी से स्वस्थ हो जाते हैं, उनके भीतर कर्म के प्रति, स्वभाव के प्रति, आचरण के प्रति जो उनका कर्तव्य है उसका हम कैसे निर्वहन करा सकें, इस दिशा में लगातार प्रयास जारी है। तो आइए आज के इस नवरात्रि के महापर्व पर जहाँ चारों तरफ लोग माँ भगवती की भक्ति में डूबे हुए हैं, सरोवर है, वातावरण भी बहुत ही स्वच्छ साफ है और कल से बारिश भी हो रही है, पूरा आकाश मेघ से आच्छादित है, ऐसे पवित्र और पावन बेला में हम आपको कपालभाति करने का तरीका बता रहे हैं। कपालभाति का मतलब होता है, कपाल मतलब ये हमारा खोपड़ी, कपाल मतलब होता है ये मस्तिष्क, भाति मतलब चमक, अर्थात कपाल भाति करने से, अर्थात इस अभ्यास को करने से हमारे मुखमंडल पर, हमारे ललाट पर, मस्तिष्क पर चमक आवे, उस अभ्यास का नाम है कपाल भाति। करने का तरीका आपको मैं उदाहरण के तौर पर, आप कभी भी लुहार भाई के पास, लुहार की दुकान में गए हों तो आप देखे होंगे कोई छेना छेनी हथौड़ी या कोई लोहे का उपकरण को बनाने के लिए वो कोयले को जलाता है और उसके पास एक चमड़े का बना हुआ एक उपकरण होता है जिसमें सीकड़ लगा हुआ, रस्सी लगा हुआ होता है और उसमें एक नलिका लगी हुई होती है और जो व्यक्ति
उस रस्सी को खींचता है तो चमड़े से बना हुआ वो उपकरण आपस में सट जाता है और नलिका के माध्यम से तेजी से हवा उस चूल्हे की ओर अग्नि की ओर बढ़ने से उसे प्रज्वलित कराता है। वही अभ्यास हम पेट के साथ कर रहे हैं। सांस को जैसे ही फेंकेंगे बाहर, उसी उपकरण की भांति यह हमारा कार्य हो रहा है। यानी सांस बाहर फेंकते ही पेट हमारा अंदर पचक रहा है और सांस बाहर निकल रहा है, यानी पूरा नाभि प्रदेश अंदर सिकुड़ने से, आकुंचन और प्रसारण होने से इस पेट के क्षेत्र में अनेकों प्रकार के अंग अवस्थित हैं। अमाशय, पकवाशय, पित्ताशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, लीवर, किडनी, आपका मलाशय, मूत्राशय, तमाम प्रकार के बैरों का गर्भाशय इसी एरिया में अवस्थित होता है। यदि कपालभाति के माध्यम से बार बार उसको आकुंचन प्रसारण कराते हैं तो उसके अंदर जो सेल्स होते हैं, उसके अंदर जो सेल्स डीजेनरेट हो रहे हैं वो रीजेनरेट होना प्रारंभ हो जाता है और उसके अंदर यदि उस अंग में कार्य करने की क्षमता में कमी हो जाती है, वो बढ़िया से अपना कार्य नहीं कर पाता है, वैसी स्थिति में ये कपालभाति उन अंगों को पुनर्जीवित कराता है, पुनर्जागृत कराता है और वो सारे अंग अर्थात जिन अंगों का जो कार्य है वो कार्य बढ़िया से करने लगते हैं। यदि हमें पाचन शक्ति की कमजोरी है तो कपालभाति करने से पाचन शक्ति मजबूत, यदि हमारे अंदर हार्ट ब्लॉकेज हो रहा है तो कपालभाति करने से हार्ट ब्लॉकेज ठीक होगा, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, प्रोटीन लीकेज की समस्या, मोटापा की समस्या, फैटी लीवर, एसजीपीटी, एसजीओटी का असंतुलन, किडनी ठीक से नहीं काम कर रहा है, बांझपन, नपुंसकता की समस्या, भाइयों में स्वप्न दोष की समस्या, बहनों में लिकोरिया की समस्या, मासिक धर्म की अनियमितताएं, यहां तक कि चर्म रोग के अनेकों प्रकार, चाहे दाद हो, खाज हो, खुजली हो, सफेद दाग हो, सोराइसिस हो, इनके लिए यह रामबाण औषधि के रूप में सामने उभर करके कपालभाति आ रहा है। साथ ही साथ जोड़ों पर यदि कार्टिलेज घिस रहे हैं, जोड़ों में दर्द हो रहा हो तो कपालभाति उनके लिए अमृत के समान लाभकारी है। आलस्य प्रमाद हो रहा हो, खाया पिया शरीर में पच नहीं रहा है, लग नहीं रहा है तो कपालभाति 15 मिनट से लेकर के आधा आधा घंटा तक करें। जो आप खाएंगे पिएंगे शरीर में लगेगा और शरीर आपका ऊर्जावान, यदि आपको हीमोग्लोबिन की कमी है, हीमोग्लोबिन की कमी से परेशान है, प्लेटलेट घट रहा हो, तो कपालभाति का अभ्यास 15 मिनट से लेकर के आधा आधा घंटा तक प्रतिदिन आप करें, इन समस्याओं से मुक्ति मिलेगी। कपालभाति का अभ्यास करने से आहार भी
जो हम लेते हैं अनेकों प्रकार के आहार में अनेकों प्रकार के विटामिन मिनरल्स पाए जाते हैं, शरीर उस आहार को बढ़िया से पचा करके उसके अंदर पाए जाने वाले विटामिन मिनरल्स को, लाभकारी तत्वों को बढ़िया से हमारे शरीर को प्राप्त कराता है। यदि इसे आप ध्यान पूर्वक करें तो आपके अंदर हमारे अंदर आध्यात्मिक शक्तियों का जागरण कराता है। हमारा जीवन अष्टांग योग को प्राप्त करता हुआ आगे बढ़ने की ओर अग्रसर हो जाता है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि, ये है अष्टांग योग के 8 प्रकार। यम और नियम के 5-5 भेद हैं, 5-5 प्रकार हैं। सत्य अहिंसा अस्तेय अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, शौच संतोष तप स्वाध्याय, और ईश्वर प्रणिधान, ये नियम के 5 प्रकार हैं। यदि यम और नियम के ये 10 सूत्र अपने जीवन में अपनाया जाए, वही व्यक्ति अपने जीवन को बढ़िया से जी सकता है, अपने जीवन को समझ सकता है, और वही व्यक्ति अर्थात यम नियम का पालन करने वाला, अनुसरण करने वाला, धारण करने वाला व्यक्ति अगले आसन प्राणायाम ध्यान क्रमशः प्राप्त करता हुआ समाधि की ओर बढ़ने लगता है। इस योग के परम विधा को गांव गांव में घर घर तक ले जाना है। हमारा संकल्प है कि कम से कम भोजपुर जिला और बिहार राज्य में एक भी व्यक्ति कोई बीमार ना हो, कोई बीमारी के माध्यम से अपने प्राण को अंत ना कर सके। एक दिन तो सबको जाना है, लेकिन रोग रहित जीवन को त्यागना ये एक चुनौती का रूप ले रहा है, प्रतिष्ठा का प्रश्न बना हुआ है कि हम स्वस्थ शरीर को कैसे 100 साल पूरा करके इस धाराधाम से अलविदा हों, विदा हों। उसके लिए एक ही मार्ग है योग, उसके लिए एक ही मार्ग है योग और केवल योग। प्रातः वेला में 4 बजे जागरण करके शौच आदि से निवृत्त होकर के आप कम से कम 1 घंटा से लेकर के 2 घंटा तक योग का अभ्यास करें। इसमें अनेकों प्रकार के प्राणायाम, नाड़ी शोधन प्रक्रिया, छोटे छोटे सूक्ष्म व्यायाम, सूर्य नमस्कार, अनेकों प्रकार के आसन का अभ्यास करके हम अपने शरीर को स्वस्थ बना करके सुबह सुबह योग धर्म और बाकी का समय कर्म योग की ओर हम अपने को प्रवृत्त करा करके संसार को सृजनात्मक तरीके से कैसे ऊंचाई पर ले जाएं। आने वाले समय में, यूं कहें वर्तमान समय में,
छोटे छोटे बच्चों के अंदर, नौजवानों के अंदर, किशोरावस्था को प्राप्त किए हुए युवक और युवतियों के भीतर कैसे वेदानुकूल शास्त्रोक्त विधि को अपनाते हुए धर्माचरण उनके भीतर संस्कार के बीज को कैसे डाला जाए, संस्कार के बीज को कैसे बीजारोपित किया जाए जो भविष्य में अंकुरित होकर के पल्लवित, पुष्पित और फलित हो सके, इस दिशा में हम सबको मिलजुल करके काम करना होगा। तभी जाकर के समाज को भोग से योग की ओर रोग से आरोग्य की ओर असत्य से सत्य की ओर अधर्म से धर्म की ओर पाप से पुण्य की ओर हम बढ़ा सकें, इस दिशा में हम सबको कदम से कदम मिला करके चलना होगा। ज्योत से ज्योत जलाते चलो, कदम से कदम मिलकर बढ़ाते चलो। इस योग रूपी प्रकाश को, योग रूपी दिए को, साधना रूपी तेल से, परिश्रम और पुरुषार्थ रूपी तेल से इसे हमेशा प्रज्वलित, इसे जलाए रखना है। इस मशाल को बुझने नहीं देना है। गुरु शिष्य की परंपरा को अपनाते हुए इस योग के मार्ग को अपना करके जन जन को कल्याण के मार्ग पर लाना है। करें योग रहे निरोग के नारे को कैसे चरितार्थ करना है, इस दिशा में हम सबको आगे बढ़ना होगा। जय मां भारती, जय हिंद, वंदे मातरम।